गायों की सुरक्षा के लिए सरकार भले ही गोपालन विभाग का गठन कर संरक्षण के लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत में इसकी स्थिति उलट है। एक तरफ कमलनाथ सरकार जहां गायों के संरक्षण को लेकर तरह तरह की बातें करती है एवं गायों के संरक्षण को लेकर गौ संवर्धन बोर्ड बनाया गया है, लेकिन इन गायों की स्थिति क्या है यह आप प्रदेश ही नहीं देवास जिले में देख सकते हैं। वैसे तो देवास जिले में कई गौशालाएं हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इन पशुओं के लिए ना ही सरकार गंभीर है और ना ही गौशाला संचालक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हर साल लाखों रुपए अनुदान मिलने के बावजूद गोवंश की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सरकार की ओर से अभी तक चारे पानी के उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। इसके अभाव में छोटे बड़े बछड़े ज्यादा काल के ग्रास हो रहे हैं। देवास शहर के चारों ओर जाने वाले राजमार्गों पर गायों सहित मेवाशी रोड पर खुलेआम घूमते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का अंदेशा रहता है। गौ सेवकों का ध्यान वैसे तो केवल परिवहन पर रहता है, जिससे कि उन्हें लोकप्रियता और कुछ आर्थिक लाभ मिल जाए। गौ सेवा के नाम पर अपना झंडा गाड़ने वाले गौ सेवकों पर यह वीडियो बिजली की गाज की तरह गिरेगा, यदि वे सच्चे गौ सेवक हैं। देवास शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम राबड़िया में गायों के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां गायें दलदल में फंसी हुई हैं, जिंदगी और मौत के बीच में फंसी हुई हैं। कई गायों की मौत हो चुकी है और कई लगभग मरणोपरांत स्थिति में हैं। गायों की यह हालत देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस प्रकार गायों के दलदल में फंसकर मरने से जिला प्रशासन, गौ सेवक और जागरूक जनता, राजनेता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जब तक गाय मर गई तब तक यह सभी जिम्मेदार कहाँ थे। यदि ग्रामीणों द्वारा समय पर सूचना नहीं दी जाती तो शायद यह बची हुई गायें भी तड़प तड़प कर मर जाती। सूचना के बाद देवास नगर निगम सभापति एवं भाजपा नेता सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति संभाली। डेयरी फार्म पे गौशाला है जहां कई गायें मृत मिली है। ऐसा बताते हैं कि नगर निगम भी यहां गाय अपनी जो शहर से पकड़ते हैं वो यहीं के सुपुर्द कर देते हैं। क्या मामला है पूरा? सुपुर्द क्या, अपने यहां नगर निगम में कांजी हाउस नहीं है। कांजी हाउस नहीं है तो अपनी जो व्यवस्था है कहीं तो अपने को रखना ही पड़ेगा। तो ये रजिस्टर्ड गौशाला है, जो भी है यहाँ पे रजिस्टर्ड और व्यवस्थित होती थी, लोगों यहाँ छोड़ दिया जाता था और विधिवत अपन विधिवत छोड़ देते। ऐसा नहीं कि मतलब उसकी प्राप्ति लेते थे, उसको जो भी अपना देख रखता वो भी, और जो यहाँ छुड़वाने आता था उसको छोड़ भी देते, छुड़वा भी देते। आज मौके पे आप हैं, सभापति भी साथ हैं। हाँ देखा गया वो है। कितनी गायें मृत मिली आपको और क्या स्थिति है? दो, एक दूसरी मिली अभी, ये बीमार थी चुकी यहाँ डॉक्टर, वो डॉक्टर कहता अपने आप डॉक्टर बता रहा था कोई बीमार, सुबह से बीमार था, इसका इलाज भी करवाया उसने, उसके बाद मृत्यु हो गई। अच्छा, तो उनको दलदल में छोड़ दिया मरने के लिए? दलदल में वो बोले ये आ जाती है पानी, इलाज दलदल में कैसे कराएंगे उसको, जो वो दलदल में पड़ी थी यहाँ पे पुलिस के जवानों ने और 8 घंटे तो मेरे को सभापति जी अब ये अपन इनका जवाब तो यही दे सकते हैं। नगर निगम की कोई जवाबदारी नहीं है इनके गाय सुपुर्द करने के बाद? किस हाल में है वो, कोई मार रहा है या क्या कर रहा है? ये व्यवस्था पर मारने का तो नहीं, ये तो अब वो खुद ही बताते हैं कि हम लोग तो अच्छी व्यवस्था करते हैं, बोले उसके बाद भी गाय का मामला है तो इसी व्यवस्था की दलदल में छोड़ दी और कई गाय वहां बढ़ने पर मरी हुई। इसके विरोध में अपन ने पंचनामा बनाया, अपन कोर्ट में पेश कर देंगे, जो जो कार्यवाही होगी वो की जाएगी। आप समय समय पर निरीक्षण करने आते हैं यहाँ पर? हाँ आए हम लोग। तो यहाँ के गाँव के लोगों का कहना है कि 4-5 गायें रोजाना मर रही है, इस मामले में क्या कहेंगे? तो ये जवाब दे सकते हैं क्यों मर रही है। कुल कितनी गायें छोड़ी नगर निगम ने यहाँ पे? अभी ये करीब 200 करीब गाय है, 200 गाय अभी मतलब। और अपन जो हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती है, जो जन सुनवाई में जो बीमार गाय रहती है उन लोगों को जो हॉस्पिटल से विधिवत अपन छोड़वाते हैं। नहीं तो 200 गाय छोड़ी तो उनमें से अभी तक कितनी मर चुकी हैं और कितनी गाय आपकी जीवित अवस्था में? रिकॉर्ड इनको बताना पड़ेगा तो कोई वही हबी है दे। नगर निगम के पास क्या रिकॉर्ड है इसका? नगर निगम रिकॉर्ड है ना, बस अपन जो प्राप्ति लेते हैं पूरे रिकॉर्ड की है। मरी हुई की प्राप्ति कैसे ले होंगे? मरी हुई की तो नहीं है, मरी हुई जो पहुंचाते उसकी प्राप्ति। रोज की जानकारी लेते हो आप? रोज मर रही है आप? कितना मालूम रोज कितनी मर रही है? मैं बता देता हूँ कितनी मर रही है। ये हमने अभी जानकारी नहीं ली, हम मरे की नहीं ली हमें, फिर ये जानकारी का मिल। आपका नाम बता दीजिए। भूषण पवार, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी हरिंद सिंह ठाकुर, सहायक स्वास्थ्य। मरी हुई पड़ी है? हाँ। क्या पूरा मामला क्या देखा आपने? यहाँ पे बहुत सारी गाय मरी पड़ी थी, कम से कम 6-7 गाय तो प्लेटफॉर्म पर पड़ी थी और 15 गाय करीब वहाँ बाहर पड़ी थी मरी, जो मैंने खुद ने आंखों देखा। उनका फोटो मैंने श्रीमान महोदय महापौर जी को बताया, उनसे निवेदन किया मेरी गाय वहाँ है छुड़वा दो, तो उनने कहा खेलकर साहब पास जाओ या उनका नंबर ले जाओ तो वो छोड़ देंगे उनका नंबर फोन बात करो। यहाँ आया, इनने बोला हम किसी को खेलकर को नहीं जानते, मना कर दिया इनने, तो आप गाय नहीं दे, ले जाने लगा फिर छोड़ दिए, मन नहीं आने, ये दलदल में फंसा दिया। ये कितनी गाय दलदल में फंसी हुई?
यहाँ मेरी गाय के घर में यहाँ कम से कम उस टाइम में 200 गाय ऊपर फंसी हुई थी। अच्छा, जिंदी जिंदी कितनी गाय मरी हुई मिली? गाय 7 करीब वहाँ प्लेटफॉर्म पे अंदर मरी हुई पड़ी, अंदर प्लेटफॉर्म में मरी हुई पड़ी, और पीछे पीछे वहाँ पहाड़ी पे 15 गाय करीब पड़ी हुई। आप यहाँ पर क्यों आए थे इस गौशाला में? आप कैसे, आपका आना कैसे हुआ? जो मेरे मेरी गाय को लेने के आया था, महापौर जी ने भेजा था आपकी गाय जाओ ले आओ, तो मैं लेने आया था। वहाँ बाहर से मेरे को आने नहीं दे रहे पहले, बस जब उनने बोला फिर यहाँ आया अंदर, फिर उनने परमिशन दी कहीं अंदर तक आए लेने आए तो उन्होंने मना कर दिया। जब आप अपनी गाय लेने आए तो यहाँ पे आपको दूसरी गाय मरी पड़ी मिली? दूसरी गाय देखी है मरी हुई पड़ी थी। इसकी सूचना आपने किसको किसको दी? महापौर को दी, और मैंने ऐसे हमारे पत्र लेटर पेपर डालने आते माहेश्वरी जी उनको दी, बोले आप अपनी गाय ले आओ फिर बाद में अपन कार्रवाई कर देंगे, उनने ऐसा बोला सिविल लाइन में। नगर निगम में किसको किसको दी आपने? नगर निगम में मैंने महापौर जी को दी और श्रीवास्तव साहब को दी, और श्रीवास्तव साहब ने बोला तू बाहर निकल जा, बाहर निकाल जा बोले इसको घर करो करते नहीं। फिर मैं साहब के पास गया, अंसार भाई जी के पास, सभापति जी महोदय के पास गया, इनने मेरे को रिस्पांस दिया, इनने बोला कि चलो अपन देखते हैं। इनने फिर आके इनको मैंने इनने निवेदन किया इनसे कि आप चलिए, तो चले आए और इनने मौके पर बताया इनको हाल, और वहाँ पहाड़ी पर भी ले गए, वहाँ भी बताया, वहाँ करीब करीब अभी 6-7 गाय मरी मतलब पड़ी। आपका नाम? मेरा नाम अम्बारा माली है और सुखर नूतन नगर में रहता हूँ, और मेरे गाय घर की थे घर पे पालता हूँ। को शिकायत प्राप्त हुई थी यहाँ किसी वरुण अग्रवाल के फार्म हाउस पर कई गाय मरी हुई पाई गई, क्या पूरा मामला? मेरे को ये तो जानकारी नहीं किसका है ये, मगर अम्बाराम मालवी जी मेरे पास आए हुए थे और इन्होंने बताया, कल मैंने नगर निगम में शिकायत करी और श्रीवास्तव और डिप्टी कमिश्नर साहब को बताया, उन्होंने मुझे उनके चैम्बर में डांट के बाहर लगा दिया। और जब मुझसे शिकायत करी कि मेरे गाय को वहाँ पे सी ए के पास राबड़िया रोड पे गौशाला में बंद कर रखी, और मैं जब मैं गया तो वहाँ से 500 रुपये मांग रहा, वो गाय नहीं छोड़ी गई। तो हमारे सत्ता पक्ष नेता मनीष सेन जी, अर्जुन बाबू, हम सभी पास सम्मानी पास है, जैसे क्या अपन चले और देखते क्या है मामला। जब यहाँ हम पहुँचे तो बहुत गंभीर मामला नज़र आया, जो हमारा एक माँ के समान राष्ट्र पसी हुए, और जिस वाक्य में एक दिल दुखाने वाली घटना थी। और ये मुद्दा मैंने भी कई बार उठाया, पिछले साल भी इस मामले में कलेक्टर साहब एसपी साहब को शिकायत कर चुका हूँ, और मैं इस मामले में हमारे सत्ता पक्ष मनीष जी, अरविंद बाबू, हम सभी सम्मानी पार्षद इसकी शिकायत कलेक्टर साहब एसपी साहब को करेंगे, मौका अगर प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करेंगे, और जो इसमें दोषी अधिकारी है और जो गाय हम अब स्पॉट पर आए तो गाय बल्ले पे कम से 10-12 गाय यहाँ से दलदल में फंसी थी, उनको वहाँ पटक दी गई, और जब यहाँ स्पॉट पर आए तो 5-7 गाय तड़फ रही थी। बाकी में ये कसाई से बदतर काम हो रहा है जो भी हो रहा है, और ये बहुत गंभीर मामला है, और जो दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो भले अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, भले गौशाला हो या मैं क्यों न हो, राष्ट्रीय पशु। इस गौशाला में इतने दलदल का कोई औचित्य आपको समझ में आता है? यहाँ पे इस तरीके का दलदल कर किया गया है, और जिसमें मतलब गाय मरने के लिए मेरे को इस गांव के माध्यम से जानकारी लगी है कि प्लानिंग के तहत अधिकारी और सब मतलब गौशाला मिलके बीमा या गायें और भी महंगी गायें 2-2, 4-4, 3-3 लाख की गायें उनको, इन गायों को मृत घोषित करके वो प्लानिंग के तहत मार के और उस पर बीमा लिया जाता है। अगर इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। धन्यवाद। राबड़िया में करीबन सर 10-12 गाय जो कि सर मृत पाई गई है, सर क्या है पूरा मामला? राबड़िया में जो गौशाला है उस गौशाला में जो गायों का जो आप गाय जब बनती है उसके बाहर जो गोबर का मड है उसमें गायें फंसी हुई है, ऐसी सूचना हमने मिली थी। इसमें हम गए थे, उसमें से 4-5 गाय थी उनको निकाला गया, क्योंकि बारिश होने से काफ़ी मड में गोबर का जो मड है उसमें गड़ी हुई थी, तो एक बछड़ा और एक गाय मृत पाई गई, बाकी गाय निकाल के उनको निकाल दिया गया जो ठीक है। दूसरा कुछ ये भी सूचना मिली थी कि जंगल में पहाड़ी पे कुछ गायें मरी हैं, वो किस तरीके से मरी हैं, ज़्यादा बारिश अतिवृष्टि के कारण मरी है या वहाँ जाने के बाद यहाँ से वहाँ गई है, किस तरीके से, ये जाँच का विषय है। इस संबंध में चूँकि थाना टोपुर में ये गौशाला आती है, इसके बारे में विस्तृत जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है कि किस कारणों से ये सब कुछ हुआ।
सर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी की जाएगी? हाँ, अभी डॉक्टर से उनका परीक्षण कराया जा रहा है और उसके बाद हर बिंदुओं पर इस पर जाँच की जाएगी और अगर कोई अपराधी स्थिति बनेगी तो उसके अनुसार वो भी कार्रवाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।